दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल ABHD TV सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई आने वाली मजेदार और फनी वीडियो आपको मिलती रहे। ते नाजरीन साढ़े नाल मौजूद ने स्टेज और टीवी दे बहुत ही अच्छे एक्टर जुल्फी अली। ते जुल्फी अली साहब ने अगे भी बड़िया अथेंटिक गल्लां साडे नाल कीतियां ने, तो मैं कि इन्हों जरूर पूछना चाहिए। अच्छा जुल्फी साहब, लोग कहते हैं कि यह जो एक्टर होंगे इन्हू कोई एक्टिंग का कीड़ा भी होंगे, तो वजह तो जोड़ा है ये फील्ड आता है तो होर कोई काम नहीं कर सकता, तो टिक के नहीं पैंता, कि एक्टिंग का कीड़ा होंगे? नहीं, मैं इस बारे च नहीं कह सकता, क्योंकि कीड़े मारते मुहिम चलती है, जो फनकार कीड़े हो तो दुनिया सारे ही मार दे। नहीं नहीं, कोई एक्टिंग का कीड़ा कहते नज़र नहीं आता, कि खाने च होंगे कि दिल च होंगे? नहीं नहीं, एक माइंड होंगे, एक रूह होंगी, एक हसासीयत होंगी, उन्होंने तुम कह सकते हो फीलिंग का ना है, कीड़ा शीड़ा कोई ऐसी गलबात नहीं है। हाँ है वे कि सेंसिटिव जिन्ना ज्यादा बंदा, क्रिएटिव जिन्ना ज्यादा होगा तो वो करम होगा। ये तो फील्ड की कि चीज़ ले आई, इतने क्यों आ गए हो, की वजह है? आए तो तुम आप हो ना, सवेरे घरों निकलो तो राह जाता ना उपरा भी। वो साडा लिखे इधर से असं इधर आ गए, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो रही गल कि इतों जाना क्यों नहीं, फनकार का ना पाकिस्तान दे विच ना मुआशी साथ नहीं इन्ना भरपूर मिलता, उन्होंने मिलता होने भी कुछ जोड़िया हो भी अपने जी पेंशन वाले दिन ने सुख नाल गुजारे। बाकी जेडे दूसरी कंट्रिया के फनकार वेख के फनकार जिंदा रहने ना, उन्होंने फनकार बिजनेस बहुत ज़्यादा होंगे, जिंद वजह तो उन्होंने खबर नहीं आती कि वो लालत की हालत में दुनिया से चले गए। ये है वे कि जो फनकार काम कर लवे ना, तुसी एक बस से सफ़र कर रहे हो ना, तुहानू कोई सवारी मिली है तो उन्हें कहा ओए तू इत्थे कित्थे खज्जल हो रहे हैं, तो यह गल करके उन्हें अपना भी स्टैंडर्ड सुट लिया कि तू भी तो नाल दी सीट ते ही बैठा। ठीक है, ये उहदी मेहरबानी है कि उन्हें अच्छा वेखना चाहता है कि इहदी अच्छी परवाज होवे, अच्छी गड्डी होवे, सोबर होवे, लेकिन वह ना अंदाजे गुफ्तगू जिहड़ी है ना उहदा दित्ता होया प्रोटोकॉल भी वह झाड़ के ना मूँह ते कपड़ा ते फिर अगे तुहाडे विछा कहिंदा वो रोटी खाइए। लो जी जुल्फी साहब तो हो गए ना कीड़े तो नकारी, इन्हें सानू एक होर राह वहा दिता है, तो जनाब को नहीं, असं दूसरों को चलने गली बाल दूसरों को चलने तो उन्होंने को पता करने कि कीड़े का की सुभाव है। जी साढ़े नाल मौजूद ने इस टाइम मैडम खुशबू के नाल जो कोरस करते हैं लड़के जो डांसर ने साढ़े नाल मौजूद ने, तो इन्हों असं पूछने। अच्छा जी, ये एक्टिंग का तो कीड़ा होंगे, कोई डांस का भी कीड़ा होंगे? नहीं सर, ये हमारा मतलब कि बचपनी शौक है। बचपनी शौक है? हाँ, और हम पांच भाई हैं, पांचों भाई हम डांस करते हैं। पंजे भरा ही डांस करते हैं? हाँ जी। तो किसे होर नु कोई काम नहीं, कोई शौक नहीं? कोई शौक नहीं जी, सारे डांस करते हैं, तो हमें शौक था बस मैडम खुशबू के साथ डांस करने का, इसलिए हम मैडम खुशबू के साथ डांस कर रहे हैं, सिर्फ अपने शौक के लिए। अच्छा नहीं, ये शौक ना है, ये ख्वाब जो बुजुर्ग मिले तो ना के पुत्र पंजे डांस करया करो? नहीं, बुजुर्ग कोई नहीं मिले। हाँ। ये साढ़े अपने बुजुर्ग जड़े एक्टर है सर, मेरे वाले साहब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। की नाम से उनका? इकबाल। इकबाल, अच्छा तुसी इकबाल साहब के बेटे हो? हाँ जी। ठीक है, तो सारे डांस कर रहे हो? हाँ जी। तो कोई दुनिया का होर काम इस तो बाद करना कि नहीं करना, कि डांस ही करी जाना? इस तो बाद बच्चे 8-10 पैदा करने की सोच रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया, मतलब ब्याह का प्रोग्राम बन गया? ब्याह का प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम है। कुड़ी वाले मन गए ने कि खूह च सुटनी कि नहीं? नहीं, मैं नहीं सोच रहे खूह सुटनी, मैं सोच रहे पूरे दरिया च सुटांगे। ठीक हो गया। ये साढ़े नाल जनाब मैडम खुशबू नाले डांसर ने, ये भी फनकार ने, आर्टिस्ट ने, तो इन्हों भी अपनी एक किरदार है ड्रामे च, तो ये कह रहे हैं कि कीड़ा सानू भी कोई नहीं, तो बहरहाल कीड़े का असं पता करांगे, साड़ी स्ट्रगल जारी है, तो देखने अगे चल के। लो नाजरीन साढ़े नाल मौजूद ने जाहद अली साहब, तो जाहद अली साहब को पूछने कि जो एक्टिंग का कीड़ा है की है? जाहद अली साहब, लोग कहते हैं जो एक्टर होंगे फनकार होंगे जो, इन्हों कोई एक्टिंग का कीड़ा भी होंगे, कोई एक्टिंग का कीड़ा होंगे? देखो जी, लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं, लोगों दी गल्लां ते जाओ बंदा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक्टिंग एक खूबसूरत जॉब हैगी है, बड़ा अच्छा एक शोभ है, बट टेक्निकल काम है, एक्टिंग को आम काम नहीं है। मेरा हाल जिस तरह बंदा कोर्स करके पायलट बनता है, डॉक्टर बनता है, ये वाहद काम है, जो कोर्स नहीं, ये करन वास्ते तुहाडे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जज्बा होना चाहिए कि जो लोगों को लगे कि हाँ यार ये बंदा बड़ी मेहनत करके एक्टर बने। फिर कीड़े वाली गल, इहदा जवाब मेरे कोल तो कोई नहीं है। नहीं, विच को कीड़े का तलक है सारियां गल्लां च? नहीं, मेरा ख्याल नहीं।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਭ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਮਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਮਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੀੜਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜ਼ਾਹਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਬਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਮੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟਰ ਅਮਜਦ ਰਾਣਾ, ਅਤੇ ਅਮਜਦ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਜਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਬਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲ ਐਕਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਤ ਰਹੀ ਕੀੜੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀੜਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਪਲਿਆ ਕੀੜਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਢ ਹੈ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜਾ ਜੇ? ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਸਮਾਰਟ? ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ WWF ਦੇ ਭੰਡ ਨੇ। ਲੈ, ਲਾਫਟਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲਾਫਟਰ। ਚਲੋ, ਉਹ ਦੇਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕੜੇ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੀੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀੜਾ ਪਾ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ, ਐਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ? ਹਾਂ, ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 25 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ 33 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 38 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਸਾਰਾ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦੈਸ਼ੀ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਵੇ ਤੂੰ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕੀੜਾ ਛੀੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਦੀਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਦੀਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਐਂਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3-3 ਫਾਰਮੈਟ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਦੀਮ ਚਿੱਟਾ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਦੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ, ਅਤੇ ਬਾਹੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਾਇਨ ਕਿ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਜੁਗਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਗਤ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
उन्होंने चंगी मेरी बेइज्जती करनी, कभी कुछ कह देना, फिर जो मैंने पता लगा कि अच्छा ये जुगत होंगी, मैं भी फिर शोखा हो गया, मैं भी नाल लड़कियां वो जो गल्लां करते करते मेरे टीचर ने कहा कि भाई जिम्मे तुम पिछले इंटरव्यू से दसिया कि भाई तू ड्रामा कर, फिर मैं ड्रामे चला गया। तो हूँ कीड़ा तो नहीं, तुम शौक कह लो, मेरा तो बड़ा टर्निंग पॉइंट से, लेकिन वो गल है सी, तुहाडी भी गल ठीक कीड़ा है सी यार, कीड़ा तुम्हें जरूर कहना, बंदा होर कुछ कह लैंदा भाई। लो नाज़रीन, हर बंदा अपने अपने जिहड़े कमेंट्स ने अपने अपने हिसाब नाल दे रहे हैं, लेकिन तुसीं साडे नाल रहना। अच्छा जी शाहद हाशमी साहब, मैं निकलिया एक कीड़े की तलाश, तो मैनू जनाब लोगों ने दस्सिया कि जिहड़ा एक्टर इहनू एक्टिंग का कीड़ा हुंदा है, ये मैं तुहाडे को पुछना चाहना कि एक्टिंग का वाकई कीड़ा हुंदा है, ये कोई गल है या एवें गल बनी है? सर कीड़ा तो एक ना ही रखिया कर ले कि एक शौक है, मतलब ये किसी जरूरी नहीं कि भी फनकार का बेटा ही फनकार बन सकता, फनकार दिल करे मतलब मुल्क का बहुत बड़ा कोई ऑफिसर है उन्होंने अंदर भी एक फनकार है, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह तो कर नहीं सकता। तो जिहड़े लोग बस फनकार तो अल्लाह वालों हुंदा है या नहीं हुंदा, सर ये तो जरूरी नहीं कि कोई आर्टिस्ट स्टेज पर काम कर रहा है या टैलीविजन या फिल्म च काम कर रहा है तो वही फनकार है। फनकार तो सर मैं ऐसे ऐसे देखे ने कि भी रे रब का ना बड़े बड़े वे फनकार ने, लेकिन काम नहीं करते, एक शोभा उन्हों का नहीं है। तो फनकार या हुंदा या नहीं हुंदा सर, कीड़ा हुंदा या नहीं हुंदा? सर कीड़ा मैं लभ रहा वा, मुन्नू नहीं लभ रहा, अगर जिते मुन्नू लभे मैं मारांगा जरूर, क्योंकि बड़ा सख्त काम है सर, बड़ी मेहनत वाला, पूरी जिंदगी का दाव ताड़ा इस गल ते लग जाता है फनकार कि मैं अज भी कामयाब होवांगा, मैं अज भी होवांगा, मैं अज भी होवांगा, इस हफ्ते अगले महीने अगले साल इस तरह चिट्टे आ जाते हैं बंदे के सिर च, लेकिन वो कीड़ा लभदा नहीं कि है कितने। जी नाज़रीन, फनकार की बड़ी खूबसूरत गल की शाहद हाशमी साहब ने कि हर रोज़ उसकी एक नवी उम्मीद होती है कि मैं अज जरूर कामयाब होवांगा, तो अज जरूर कामयाब होवांगा, इस तरह जिंदगी गुजर जाती है, कोई कामयाब हो जाता है तो कोई नाकाम तो नहीं हुंदा, लेकिन वो जरूर उस कम्यूनिटी का हिस्सा जरूर रहिंदा है, और इस तरह ही जिंदगी का सिलसिला चलता रहा और जिंदगी बीत जाती है। तो तुसी जरूर अप्लाई करना, ये नाल ही मैं तुहाडे कोल इजाजत चाहवांगा, लेकिन नाल रहना, कीड़े की तलाश जारी है, कीड़े की तलाश जड़ी है वो जारी है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल ABHD TV सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई आने वाली मजेदार और फनी वीडियो आपको मिलती रहें।